सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सोना पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक खैर खरीत से होंगे। ले जी आपका सोना भाई आज कह रहा है केज की सफाई। ये देखिए बहुत गंद पड़ा है, ये शापरों के अंदर डाल रहा हूँ, ये आपके सामने है, ये चेक करें ठीक है। और थोड़ी सी ना मैं केज की सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, जैसा कि मौसम चेंज हो गया है इस टाइम। मैंने ये जो सरशार अपना बांधा हुआ है ना, मुझे अपना चेहरा भी ढांपना चाहिए क्योंकि फीदर्स पर वगैरह उड़ते हैं तो सांस का मसला होता है इनसे, ये याद रखना। तो जब भी अपने केज में इस तरह का कोई भी काम करें ना मेरे भाई, तो कम से कम ना अपने चेहरे को लाजमी ढांपा करें। मेरे से ज़रा गलती हो गया, मुझे 4 मंजिलें नीचे 3 मंजिलें उतर के फिर जाना पड़ेगा, तो मेरे लिए फिर मुश्किल बनेगी। मैंने कहा अब करके तो निकलते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ना इंशाल्लाह इस चीज़ को कवर करेंगे। अच्छा मैं थोड़ी सी ना केज की सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यार इस जगह पे ना सोना भाई ने सारे जो क्रेट लगाए थे वो किधर गए हैं। भाई वो क्रेटों की जो सेटिंग है ना वो सामने देखें, वो देखें आपके भाई ने 3-3 की कर दी है वहाँ पे। वहाँ पे पहले 2-2 की थी, ठीक है 3-3 की कर दी है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है सर्दी आ रही है तो परिंदों की ना ब्रीडिंग का यही सीज़न है। तो ब्रीडिंग ये मैं इस टाइम कोई सनी देवल नहीं बना, ये सर्व शर बांध के ये सिर्फ इसलिए बांध रहा, मेरा एक तो सर बड़ा दर्द कर रहा था और दूसरा मैंने कहा चलो सफाई करनी है तो सर में ना पीठे वगैरह कर देते हैं, ये मैंने कहा अपने सर को भी कवर करते हैं ठीक है। अच्छा तो ये जी 3-3 की सेटिंग कर दी है और उसके अलावा उसके बाद जब मैं आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट स्टेप क्या, अभी मैं लेकर आऊँगा, मैं लेकर बिल्कुल नहीं आया, मैं आपको सेटिंग समझा रहा हूँ सर्दी में ब्रीड जल्दी करवाने का तरीका क्या है। इधर टोटली जो हम जोड़े लगाएंगे ना क्रॉस में लगाएंगे जिनके ये 21 क्रेट लगे हैं माशाल्लाह 21, 6 ये सामने लगे हैं, 6 12 6 18 और 3 इस साइड पर लगे हैं। अभी मैं इधर भी जाऊँ ना तो इधर जो है 6 क्रेट और भी लग सकते हैं, लेकिन ये जगह हम खाली छोड़ेंगे। उसकी रीज़न बताता हूँ क्या है, जब बारिश होती है ना तो ये खिड़की से पानी अगर बारिश का रुख इस साइड पे होना तो क्रेटों के अंदर बच्चे निकले होना तो वो गीले हो जाते हैं, ये ज़रा इसीलिए मैं इस जगह पर नहीं करवा रहा। इतनी ही बहुत है सेटिंग हमें, ठीक है सेटिंग इतनी बहुत है, बाकी इस खाने को पार्टीशन में चेंज करने लगाऊँ, पार्टीशन में कन्वर्ट करने लगाऊँ और इस खाने को अलहदा पार्टीशन में 2 पार्टीशन होंगी, ये ज़रा छोटा होगा, जो अभी जोड़ों में चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी ना वो इस साइड पे रहेंगी और जो क्रॉस में जोड़े लगे होंगे वो उस साइड पर। यार ब्रीड नहीं हो रही, मादियाँ जो है ना कभी किसी के साथ तो कभी कबूतर किसी के पीछे, तो जो अंडे उतारते हैं अंडों को टाइम नहीं देते। अब ये एक साइड पे रहेंगे, इनको पता है हमने यहाँ पे ब्रीड करनी है अंडे उतारने और सेकंड सर्दी से बचाने के लिए ना, क्योंकि सर्दियों में बच्चे ना नीले हो जाते हैं जल्दी, पलते नहीं है, तो जो नहीं पलते उसकी भी रीज़न बताता हूँ। ये क्रेट है ना ये हाफ हाफ क्रेट ना ऐसे हम ढक देंगे, प्लाई मिलती है प्लाई साइज की कटवा के ये एक एक साइड इसकी बंद कर देंगे कि एक एक गिट का एक खाना होगा जहाँ से कबूतर इन करेंगे आउट करेंगे ठीक है। ये सब क्रेटों के ऊपर जब मैं ऐसे कर दूंगा ना खाने का मुंह छोटा हो जाएगा, ना बच्चा बाहर गिरेगा, मादी नर अंदर जाएंगे अंडे पे बैठेंगे अपना टाइम देंगे और ब्रीड पे ध्यान होगा, उनका फोकस ब्रीड पे होगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा कबूतर नहीं होगा, जो जोड़ा लगा है वही होगा। और ये ऊपर से भी मैं जो है ना एक इसको खत्म करने लगा, ये ऊपर वाला एक उतारने लगा, ये ज्यादा ऊपर बैठ जाते हैं जिसकी वजह से ना नीचे जल्दी आते नहीं है, अपने क्रेटों को टाइम नहीं देते। तो ये सारा सेटअप इंशाल्लाह ताला आपका भाई करने लगा, थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा है ठीक है। और ये सफाई कर रहे हैं, हालत देखिए आपके भाई की क्या हुई पड़ी है ठीक है, ये शौक ऐसे नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत है। ये सारी सफाई करके ना ठीक है इंशाल्लाह, ये इधर वाले जो फटे हैं ये 6-6 लगे हैं, ये ऐसे ही लग रहेंगे, इनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले ठीक है, ये ऐसे ही लगे रहेंगे। सिर्फ चेंज कर रहा हूँ तो इस साइड की लुक चेंज कर रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ, आप मुझे मशवरा दें कमेंट्स में बताएं क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने उस साइड से ये ना देखें 2 साइडों पर बटा हुआ था आमने सामने ठीक है, उसकी वजह से ना कबूतर कुछ उधर चले जाते हैं कुछ इधर आ जाते हैं। अब ये जब कन्वर्ट हो जाएगा सारा ब्रीडिंग सिस्टम मैंने एक साइड पे कर दिया ठीक है, तो ये खिड़की हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमें हवा के लिए एग्जॉस्ट भी चाहिए, नहीं वरना ये कबूतर बीमार होने शुरू हो जाते हैं। और अभी एक मेरा नीला बच्चा उसको सोकना हो गया, बड़ा दुख हुआ है। ये देखें आप बच्चा देखें, यकीन करें देख के भूख उतरती है, ऐसा कमाल का अल्लाह पाक ने मुझे, मेरे पास नीला जोड़ा सेबियल ओरिजिनल, ये जंगली कलर का बच्चा है, ये देखें कलर दिखा, इसकी नोक देखें जरा, सब भाई इसकी नोक पे फोकस करें जरा, मैं इधर से दिखाता हूँ चेक करें, ये जंगली कलर है, ये जाख नहीं है, कहीं जाख ना समझ लेना, ये देखें ये जंगली कलर में सेबे वाले जो जंगली कलर निकालते हैं ना असल जंगली कलर ये है ठीक है। तो इसको भाई आपका जो है ना सनी देवल स्टाइल में इंशाल्लाह इसकी सफाई करेगा गुड्डे की, सर शर बांधा हुआ है ठीक है। तो बहरहाल बताइएगा जरूर क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, बाकी सफाई वगैरह करते हैं, बस गलती हो गई अपना चेहरा नहीं ढांपा। तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है मेरे दोस्तों ने ठीक है, कमेंट्स में भी अपनी राय देनी है ठीक है। ब्रीड आना भी शुरू हो गई है, मैं थोड़ी सी आपको दिखा भी दूँ, तो ये देखें ये मेल जो है ना मेरा माशाल्लाह का मगर मेल, ये देखें ये बैठा हुआ है अंडों पर, इस साइड पर भी माशाल्लाह गोल्डन जोड़े ने अंडे उतारे हुए हैं, ये
मोइन साहब वाली शर्मीली मादी ने अंडे उतारे होंगे। तो इस तरह करके ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है अपना। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह इस सर्दियों में मैं ब्रीड लूँगा। देखें चेंजिंग करूँगा तो ब्रीड आएगी, अदरवाइज ब्रीड नहीं आनी। बहुत ज़्यादा भाई कहते हैं फ़ोन करके कर सोना भाई सर्दियों का दाना बता दें यार। दाना अभी अभी ना अपना वही रखें जो आप डालते हैं, बाजरा, गंदम, अगर मकई डाल, या तो इन दिनों में मकई ना डालें। अगर जो भाई मकई डालते हैं वो आपको दलिया मकई मिलेगी कटी हुई बारीक हुई दलिया की तरह, वो मकई डालें उसको, दलिया मकई डालते हैं दलिया, ठीक है। उसके बाद चने, सरसों, खुरतम, मोठ, अलसी, बस मेरा फोर सीज़न सर्दियों से गर्मियों तक सिर्फ यही होता है दाना। इसके अलावा आपका भाई कोई दाना नहीं डालता कबूतरों को, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हेल्दी एक्टिव है, बाकी छोटे मोटे मसले तो परिंदों के साथ चलते रहते हैं। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह किसी वीडियो में कि कबूतरों को दाना कौन सा डालना है। बाकी ये जितना इनका मुँह छोटा हो जाएगा ना ये करेटों का, उतनी ज़्यादा अच्छी ब्रीड देंगे ये। मेरा ख्याल है खोल देना चाहिए ऊपर से ना, इसको खोल दे, मैं कह रहा हूँ ऊपर से मैं खोलूँ तो कहीं इसके गार्डर के ऊपर बैठने शुरू ना हो जाए। ये गार्डर भी लगा हुआ है ना बीच में, देखते हैं बारल क्या करते हैं, नहीं तो जब तक ये लगा तब तक लगा है, अगर खोलना पड़ा तो इसको खोल देंगे। बाकी ये आज की वीडियो थी, बताना जरूर है दोस्तों को कैसी लगी है। चैनल पर नहीं हुआ है सब भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय भी दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भाई मुझे सोना पिजन क्लब लाहौर फेसबुक पेज पे देखते हैं मेरे पेज को लाजमी फॉलो कर लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। तो ये देखें हमारी हालत भी कभी कभी इस तरह की हो जाती है, अपना काम खुद करना चाहिए, मैं सफाई वगैरह कर रहा हूँ। तो बहरहाल इजाज़त दें, बताना जरूर वीडियो कैसी लगी है, कंटेंट कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी देखें बहुत गंद पड़ा हुआ है यार, सफाई करते हैं, केज के परिंदे फिर बीठे खाते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।